नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय सचिव ललित दवे। तो एक नरेंद्र मोदी जी का आदेश था 2 अक्टूबर को, उन्होंने कहा था कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से ख़त्म करना है। तो उस अभियान को हमने आत्मा लिया। वैसे भी हम प्रधानमंत्री जी की सारी जन कल्याणकारी योजना जितनी भी है हम सभी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और गांव गांव घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया था 2 अक्टूबर को कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने यहाँ से निकालना है, तो हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है। हमने एक ऐसा एक पेपर बैग बनाया है जो काफ़ी लोगों को, जिससे रोजगार भी मिल रहा है और प्लास्टिक का नाम भी रखा है। प्रधानमंत्री पूरे देश में चल रही है, लेकिन दिल्ली में क्या कारण है, क्यों नहीं चल रही, थोड़ा बताएंगे? नहीं, दिल्ली में भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। आप दिल्ली के भी हमारे कार्यकर्ता उसको पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कहाँ कहाँ जो। लेकिन कार्यकर्ता से पूछा जाता है तो कार्यकर्ता को कहना होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में प्रधानमंत्री की योजनाएँ चली है। नहीं, वो अरविंद केजरीवाल को खुद भी कोई योजना चला नहीं पा रहे तो प्रधानमंत्री कहाँ से चला पाएंगे? उनकी कोई योजना ही नहीं है, उनका काम करने की कोई योजना नहीं है। वो उसके काम करने में भी वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे आते हैं, कभी वो रोकते हैं कभी ये रोकते हैं। आदमी काम करना चाहे कैसे भी कर सकता है, किसी भी हालत में कर सकता है। कोई देखिए, अभी मैं राजस्थान से प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी की सारी योजनाएं वहाँ पे लागू करवाता हूँ और हर एक सरकारी विभाग में मेरा उतना ही दबदबा है और मैं उतने ही अधिकार से बात करता हूँ। भले कांग्रेस की गवर्नमेंट है, योजना केंद्र सरकार की है, भारत सरकार की है और उनको काम करना पड़ेगा। हरीश जी, जिस तरीके से दिवाली से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि प्रदूषण की बड़ी बात हो रही थी और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, एडवर्टाइजमेंट कराया था, लेकिन अभी प्रदूषण कोई कम नहीं हुआ है, आए दिन खबरों में आ रहा है, आप देखते होंगे मीडिया में, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना है? देखिए, अभी ये दिसंबर में चुनाव के बाद आपकी सरकार जाएगी ना, सब प्रदूषण खत्म होगा, उसके पहले तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टी की सरकार प्रदूषण के लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। स्पीड और ओवन जैसे ये निर्णय ले रही है, इसके अलावा काफ़ी निर्णय ऐसे हैं जो प्रदूषण के लिए हम ले सकते हैं, प्रदूषण के लिए हम कार्य कर सकते हैं, प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उससे कुछ करना ही नहीं चाहती है। खाली एक फॉर्मूला लेके आ गई है, ई रहना ओवन, अरे उससे क्या होने वाला है? प्रदूषण रोकने के तो कई तरीके हैं, कितने ही तरीक़ों से आप प्रदूषण। आज बॉम्बे में, आज दिल्ली से ज़्यादा हाई फाई सिटी तो बॉम्बे है, दिल्ली से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे है, वहाँ पे आप पॉल्यूशन की मात्रा देखिए, बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाड़ियों का नियम बनाया है उन्हीं के हिसाब से, तो क्या इससे प्रदूषण चला जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, एक दिन के लिए चला जाएगा, दूसरे दिन फिर आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने बोला बीच में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन अभी बसों के लिए, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं और बसों में भी सुनने आया कि 5 महीने के लिए बसें फ्री, क्या लगता है ये चुनाव का दौर इसलिए है? नहीं, ये महिलाएं उनको अभी दिखी 5 महीने के लिए, 4.5 साल से उनको एक भी महिला दिखी नहीं पूरे देश में, प्रदेश में। ये चुनाव आने के टाइम पर आप 5 महीने के लिए दिल्ली की बसों में, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में हर रक्षाबंधन के दिन गवर्नमेंट की बसें फ्री रहती है, कई सालों से चले आ रही है, ठीक है। ये अरविंद केजरीवाल 5 महीने के लिए फ्री करके क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ये सब चुनावी फंड है, उन्हें चुनावी स्टंट है उनका, और कुछ नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री की योजनाओं पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, गाँव और डोर टू डोर से मिलकर बात, कितना समय देते हैं आप? समय के तो ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं, जब भी काम कर रहा है निकल जाते हैं। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी दिल्ली में? दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में तो पूरी तरह बीजेपी आएगी और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे बहुमत के साथ आएगी, और केजरीवाल के अगर 10 विधायक भी आ गए तो मैं एक बहुत बड़ा बुके लेके उनके घर पर उनको शुभकामना देना चाहूँगा। और
दीपा होती है, काफ़ी पसंद है, दिवाली में आती है, फिर भी खुशियाँ नहीं होती हैं। आपने देश की उनके साथ जवानों के साथ दिवाली मनाई है, कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनके साथ दिवाली मनाई। उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा।